नाउ विल डिस्कस अबाउट बायो मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जो बायोस्फीयर है हमारा, उसके अंदर वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बहुत नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, टाइप्स हैं, उनके वैराइटीज हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या केमिकल्स हैं या एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो क्या हैं, कैसे केमिकल्स हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सेरल अदर्स हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर, जो कि अर्थ क्रस्ट में जो कि नॉन लिविंग मैटर हैं, वो वही सेम हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर हैं। लेकिन बेसिकली अंतर क्या है, तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर हम अर्थ क्रस्ट का लें एग्जाम्पल लें या उसका एनालिसिस करें, तो हम उसमें देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो काफ़ी कुछ या लगभग सभी उसमें हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो अब ये पे यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों के अंदर चीज़ें वही सेम हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग में जो अंतर है वो ये है कि लिविंग के अंदर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर। तो कहने का मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, अबंडेंस उनकी ज़्यादा होती है, अमाउंट उनका कार्बन और हाइड्रोजन का, या हमारी बॉडी है या कोई भी प्लांट है या एनिमल है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट मिलेगा वो हाइड्रोकार्बन का मिलेगा, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन आप कह सकते हैं उसको। तो अन अन एलिमेंट भी मिलेंगे, लेकिन रेशियो अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा टोटल अदर एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। जबकि अर्थ क्रस्ट में आपको सभी चीज़ें यूनिफॉर्मली मिलेगी, उसमें ऐसा नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा मिले। इसीलिए लिविंग टिश्यूज को कार्बोनिक टिश्यू या फिर हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, कि हाइड्रोकार्बन से बना हुआ हमारा बॉडी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग टिश्यूज हैं वो सब कैसे बने हैं, कार्बन के बने हुए हैं। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। तो यही बायो मॉलिक्यूल्स हैं, यही जो कार्बन कंपाउंड हमारे अंदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिवली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, फैट है, ये सब क्या है, ये सब बायो मॉलिक्यूल्स हैं। और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसमें, कि इफ़ द टिश्यू बर्न फुल्ली ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म CO2 वाटर वेपर एंड आर रिमूव्ड। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं बॉडी के अंदर, या जो कार्बन है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर में। तो अगर इनको हम फुल्ली बर्न करें तो क्या होगा, किसी भी प्लांट को अगर हम एकदम ड्राई कर लें और उसको बर्न करें, या किसी ह्यूमन बॉडी को ही एक्चुअली हम बर्न करें, तो क्या होता है, पूरी तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में लगभग चेंज हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ है, प्लांट्स वगैरह को आप पूरा जला के राख बना सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग बचता है, अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से निकल जाए और वाटर वेपर निकल जाए, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऐश, और इस ऐश के अंदर बाकी के जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं वो बचे होते हैं। तो इसी लिखा गया, इफ़ द टिश्यू बर्न फुल्ली ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म एंड आर रिमूव रिमेन, है ना, तो रिमेनिंग जो होगा वो ऐश बोला जाएगा। तो एक बार हम फिर से इसको बात करते हैं, इफ़ द टिश्यू बर्न फुल्ली ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसेस फॉर्म CO2 एंड वाटर एंड आर रिमूव्ड, तो वो चेंज हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्सन है रिमेन इज कॉल्ड एस। ठीक है, तो और उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो एस का मतलब रिमेनिंग जो हुआ कार्बन और वाटर वेपर के, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन के निकलने के और वाटर वेपर निकलने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसको हम लोग एस बोलते हैं, राख जिसको हिंदी में बोला जाता है, जनरली हम लोग राख से समझ सकते हैं उस चीज़ को। इसके बाद इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे
ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स के अंदर, तो उसमें अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड बेसेज हैं, डीएनए आरएनए जैसे होता है, फैटी एसिड हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस तरह से ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमीनो एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड का जो पॉलीमर है वो प्रोटीन है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक जो होता है वो अमीनो एसिड ही होता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, अमीनो एसिड क्या चीज़ है, अमीनो ग्रुप क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, और अगर उसका स्ट्रक्चर हम देखें, केमिकल स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि एक कार्बन है जिसको कि हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, उससे फोर ग्रुप्स अटैच होते हैं, या फोर चीज़ें उसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। इसमें पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है इसमें आर या एल्किल ग्रुप, इसके बाद इधर जो है एक बेसिक ग्रुप जुड़ा होता है NH2 अमीनो ग्रुप, और दूसरा इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि SD ग्रुप है। SD क्यों है, क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है जो यहाँ से अलग हो सकता है, SD प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे बेसिक ग्रुप है क्योंकि ये एक हाइड्रोजन इसमें अटैच हो सकता है। नीचे वाले आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ करके ये बेसिक होने की वजह से एक हाइड्रोजन अपने में जोड़ सकता है, और ये SD होने की वजह से एक हाइड्रोजन अपने में से रिमूव कर सकता है। जब ये दोनों कंडीशन मिलती है तो ऐसे आयन को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस तरह से ये बेसिक भी शो कर रहा है और SD भी शो कर रहा है, तो ऐसे आयन को हम लोग ज्विटर आयन। तो अगर ये आयनाइज होगा तो इस फॉर्म में भी आ सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इस पे चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, और इस तरह से ये चार ग्रुप इसमें हो गए, अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन। अब आर ग्रुप जो होता है, आर ग्रुप के बारे में आप जानते हैं कि जितना भी एल्किल ग्रुप है एक तरह से ये, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती हैं उनमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो 20 टाइप के अमीनो एसिड ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं इसी आर ग्रुप के ऊपर। तो ये आर ग्रुप जो होता है यही डिसाइड करता है कि किस टाइप का अमीनो एसिड होगा, तो इसी के ऊपर 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, और यही 20 टाइप के अमीनो एसिड प्लांट और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन के फॉर्म में। अमीनो एसिड का पॉलीमर ही प्रोटीन है, कई अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक जो इसमें चीज़ है, यूनिट चीज़ है, वो है अमीनो एसिड। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और वो अमीनो एसिड किसकी वजह से अलग अलग होते हैं, इन्हीं आर ग्रुप की वजह से, ये अलग होने की वजह से ये भी चेंज हो जाता है। तो इसमें अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें, तो इस आर ग्रुप में अगर आर की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो जो कंपाउंड बनेगा वो ग्लाइसिन होगा, अगर मेथिल ग्रुप आता है तो एलेनिन बनेगा, CH3 ग्रुप अगर यहाँ जुड़ जाए तो, अगर हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ जाए तो ये सीरीन हो जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड जुड़ करके अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड फार्मेशन करते हैं, इसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप है ना, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन लेटरल ब्रांच ऑफ आर ग्रुप, ठीक है, इसके तरह से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह की कंडीशन को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग अगर जो एमिनो एसिड होता है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों नेचर का होता है, तो ये चीज़ कैसे डिसाइड की जाती है, ये चीज़ डिसाइड होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक इन द लेटरल ब्रांच ऑफ आर ग्रुप। अब ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप के ऊपर डिसाइड होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आर ग्रुप के ऊपर ये डिसाइड होता है कि ये जो अमीनो एसिड है वो किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो ये डिसाइड होता है इसी आर ग्रुप के ऊपर। तो अगर इस आर ग्रुप में अगर ये इसमें कोई भी अलग से लेटरल ग्रुप नहीं जुड़ा है तब तो ये न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर इसमें इस आर ग्रुप में लेटरली कोई भी ग्रुप जुड़ा है जो कि अमीनो ग्रुप है, तब इस अमीनो एसिड का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, और इस आर ग्रुप में ही अगर कोई भी ऐसा लेटरल ग्रुप जुड़ा है जो कि एसिडिक है, कोई कार्बोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है इस आर के अंदर, तब उसको हम लोग बोलेंगे, तब वो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, और अमीनो एसिड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो आर ग्रुप है उसके बेसिस पे, आर ग्रुप में कैसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पर एसिडिक या बेसिड
बेसिक डिसाइड किया जाता है या न्यूट्रल डिसाइड किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से होता है। हालांकि आपके डिटेल में नहीं जानना है इसके बारे में, लेकिन कुल मिला के ये है कि आर ग्रुप के ऊपर ही ये डिसाइड होता है कि एमिनो एसिड का नेचर का। अब यहाँ पे अगर आर ग्रुप सिंपल है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर, तब वो आपका न्यूट्रल ग्रुप होगा, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल ग्रुप है, इसमें कोई भी एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं है। तो इस तरह से ये आपका पूरा है। इसके अलावा एक चीज़ और हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, उसमें उसमें जो 10 टाइप के हैं वो प्लांट के अंदर, 10 जो कि प्लांट के अंदर या एनिमल, 10 जो है प्लांट के अंदर सिंथेसिस होते हैं, 10 एनिमल के। कहने का मतलब एनिमल के अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 10 टाइप के अमीनो एसिड ही सिंथेसाइज होते हैं, 10 टाइप के अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते हैं। क्यों? जो सिंथेसाइज नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हमें वो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में वो नहीं बनता है। और जो हमारे शरीर में बन रहा है उसको हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। और ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो प्लांट्स के अंदर फार्म होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 20 में 10 एनिमल के अंदर बन रहे हैं, 10 प्लांट के अंदर बन रहे हैं। तो प्लांट के अंदर जो बन रहे हैं वो हमें चाहिए, तो उसको हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। जो एनिमल के अंदर बन रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी बन रहे हैं, तो उसको हम लोग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। तो जो प्लांट्स के अंदर या अदर इंडिविजुअल्स के अंदर बन रहे हैं वो हम लोग प्लांट से लेते हैं। इसीलिए ये होता है कि आप लोग प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स जो यूज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इस अमीनो एसिड के लिए भी, और चीज़ों के लिए तो है ही।